हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हमने ग्रुप 1890 के कलाकारों को पढ़ा था, तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम ग्रुप 1890 के एक अन्य कलाकार को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारे आज के कलाकार जयराम पटेल जी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ है सोजी तारा गांव में, जो कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, तो आपसे पूछा सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो आप कहेंगे गुजरात में हुआ है। ठीक है, किस गांव में, तो सोजी तोरा गांव में हुआ है। ठीक, कब हुआ है, तो 1930 में हुआ है। ठीक, तो हम कह सकते हैं इनका जन्म कब हुआ है, 1930 में हुआ है। ठीक है, 1930 में हुआ है। इनकी शिक्षा की बात करें तो शिक्षा इनकी हुई है सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, जो कहाँ पर है, मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में हुई है इनकी शिक्षा, और कहाँ से, सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से हुई है। व्यवसाय से जयराम पटेल जी एक चित्रकार थे, और ये लकड़ी पर चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं, और साथ ही साथ ये क्या थे, मूर्तिकार। इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे, क्योंकि ये व्यवसाय से ये पूछे जाते हैं कि लकड़ी पर चित्रकारी किस कलाकार ने की है, तो जयराम पटेल जी ने की है। ठीक, अगर हम इनके चित्रों का माध्यम बताएं तो ये इनका माध्यम क्या था, स्याही था। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा कलाकार जो चित्रकार भी था, मूर्तिकार था, और साथ ही साथ लकड़ी पर चित्रकारी करता था, वो कौन था, जो जयराम पटेल जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सर 1957 से 1959 तक सेंट्रल स्कूल लंदन में इन्होंने क्या किया, टाइपोग्राफी तथा पब्लिसिटी डिज़ाइन में डिप्लोमा प्राप्त किया। तो इन्होंने कहाँ से डिप्लोमा प्राप्त किया है, सेंट्रल स्कूल लंदन से। कब, 1957 से लेकर 59 के बीच, किसमें इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया, टाइपोग्राफी और पब्लिसिटी डिज़ाइन में इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, जयराम पटेल ग्रुप 1890 के संस्थापक सदस्य थे और ग्रुप के सचिव रहे हैं। ठीक, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रुप 1890 के सचिव कौन थे, तो आप कहेंगे जयराम पटेल जी, और ये साथ ही साथ क्या थे, ये ग्रुप 1890 के संस्थापक सदस्य थे और ग्रुप के सचिव थे। ठीक है, जयराम पटेल ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन यानी NID अहमदाबाद में काम किया। ठीक है, तो इन्होंने किस में काम किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में कार्य किया, जिसे हम NID भी कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। ये कहाँ है, अहमदाबाद में इन्होंने काम किया। नेक्स्ट पॉइंट है, 1966 में जयराम पटेल बड़ौदा विश्वविद्यालय में कला विभाग के प्रोफेसर तथा डीन के पद पर कार्यरत रहे। कब, 1966 में, कौन, जयराम पटेल जी बड़ौदा विश्वविद्यालय में किसके, कला विभाग के प्रोफेसर थे, और साथ ही साथ ये क्या थे, डीन के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कला जगत में जयराम पटेल की पहचान कागज़ पर रेखांकन तथा धातु के चादरों तथा कास्ट पर रिलीफ के काम के कारण बनी। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे। तो ये किस लिए जाने जाते थे, ये कागज़ पर रेखांकन और धातु के चादरों और कास्ट पर रिलीफ के कारण जाने जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, जयराम पटेल ने रेखा चित्र के अतिरिक्त कास्ट चित्र पर भी चित्र बनाए। ठीक है, किसने, जयराम पटेल जी ने रेखा चित्र के साथ साथ और किस पर, कास्ट चित्र भी बनाए। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रुप 1890 के कलाकार जयराम पटेल जलाई लकड़ी का प्रयोग अपने चित्रों में करते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनता, बहुत बार पूछा भी गया है, ऐसा कौन सा कलाकार है जो जलाई लकड़ी का प्रयोग अपने चित्रों में करता था, तो ग्रुप 1890 के कलाकार जयराम पटेल जी। ठीक है, कौन, जयराम पटेल जी करते थे, किसका, जलाई लकड़ी का प्रयोग करते थे, किसमें, अपने चित्रों में। जयराम पटेल ने लैमिनेटेड लकड़ी का प्रयोग किस लिए किया है, चित्रण के लिए किया है। ठीक, तो ऐसा कौन सा कलाकार है जिसने लैमिनेटेड लकड़ी का प्रयोग किया चित्रण के लिए, तो वो जयराम पटेल जी हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जयराम पटेल जी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।